27 हर विधानसभा में मौजूद है, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या विकास को लेकर काम हुए हैं, जो जिस तरीके से सत्ता में सरकार है भाजपा की, वहीं 127 हर विधानसभा की बात किया तो 127 हर विधानसभा में संजय सिंह गंगवार जो यहाँ से हैं विधायक हैं, उनके बारे में जानेंगे क्या लोगों का कहना है, किस तरीके वो विकास कार्य शहर में हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित लोधी। मोहित जी, बात कर रहे हैं 127 हर विधानसभा की, क्या विकास को लेकर काम हुए हैं, क्या आपके विधायक जो यहाँ से संजय सिंह गंगवार हैं तो वो कितना आपको टाइम देते हैं, कितना आप? विधायक जी से आज तक मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन जो 4.5 सालों में विकास को लेकर अगर आप बात करते हैं तो 4.5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है पीलीभीत शहर में। और जो कार्य मतलब कि अब इस समय आपको 1 से 1.5 साल के अंदर दिख रहे हैं, जैसे कि आपका आसाम चौराहा है, नखराना चौराहा है, गौनिया चौराहा है, ये सब हमारे शहर के डीएम साहब जो आए हैं, नए डीएम साहब हैं पुलकित खरे जी, उनके द्वारा कराया गया है, जिसकी वाहवाही यहाँ पे सदर विधायक ले रहे हैं। ठीक है, और आपका अगर देखना चाहेंगे शहर को विकास को लेकर, आप मेन चौराहे पे मेन स्टेशन रोड पे चले जाइएगा, पाइपलाइन पड़ी थी, अब पूरा स्टेशन रोड शहर का एकमात्र ऐसा स्टेशन रोड है जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, तो उस पाइपलाइन को जो पड़ने के बाद में जो उसकी जो डैमेज रोड है वो तक सही से नहीं पटवाई गई है, जिसमें आए दिन मतलब कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां गिरती रहती हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये तो शहर की हो गई, और जो 127 विधानसभा में जो युवा रोजगार के लिए हैं, ग्राम पचपेड़ा में जो जगह पड़ी हुई है, जो मझोला में फैक्ट्री है जिसकी बात करते हैं, वो कि हमने चालू करवा दी, आज तक वो चालू नहीं है, उसका पेपरों में काफी समय से दिखा रहे हैं कि मतलब कि हमने चालू करवा दी है फैक्ट्री, हमने चालू, कम से कम दिखे तो, आप कागजों पे काम कर रहे हैं, कम से कम जमीनी स्तर पे तो काम करके दिखाइए, जिससे कि हम युवा आगे बढ़े, सपोर्ट करें। लेकिन इस तरीके कोई भी कोई काम ऐसा नहीं है जिससे कि शहर विधानसभा को विधायक को हम सपोर्ट करें। जिस तरीके से वो विकास कार्यों की आपने बात की, विकास कार्य जो भाई जो है सदर विधायक जो न्यूज है उनका उसमें कोई योगदान नहीं है, अगर बात हम युवाओं के रोजगार की अगर करें, क्या रोजगार को लेकर उन्होंने काम किए और वो कितना लोगों को सपोर्ट करते हैं, कितना वो मदद करते हैं? रोजगार को लेकर काम की बात तो ये है कि रोजगार तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दिया है, ग्राम पचपेड़ा में जो पिछली सरकार जो भी थी समाजवादी की, उसमें जो ग्राम पचपेड़ा में जो एक जगह छोड़ी पाई गई थी हब के लिए, अगर वही काम अगर पिछले साल मेरे ख्याल से जो सरकार होती है उसमें अब तक फैक्ट्री लग चुकी होती, लेकिन ये बताते हैं कि हम साहब फैक्ट्री लगवा रहे हैं, खमीर फैक्ट्री लगवा रहे हैं, ये फैक्ट्री लगवा रहे हैं, अभी तक तो कोई तैयारी हुई नहीं है वहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई तैयारी नहीं हुई इस चीज़ के लिए, अगर यहाँ पे ये फैक्ट्री वगैरह लगवा दें तो यहाँ का ना जाने कितना बेरोजगार युवा है जो यहाँ पे भी है, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, दिल्ली वगैरह में काम कर रहा है, जो मुसीबत के समय में यहाँ अपने शहर को आने के लिए तड़पता है, बेचारा परेशान होता है, इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं है कि मतलब कि युवाओं को यहाँ पे सपोर्ट मिली हो किसी तरीके। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है, बात कर रहे हैं युवाओं को लेकर, क्या काम हुए हैं शहर को लेकर, क्या काम हुए हैं विधायक को, कितना समय देते हैं, कितनी बार मिले आपसे आकर के? देखिए भाई साहब, 4.5 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, ठीक है, अब इस 4.5 सालों में सरकार ने बहुत कुछ किया है। देखो हमारे यहाँ जो शहर में जो इतने सारे चौराहे हैं, सारे चौराहे मतलब चमक गए आज के दौर में, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखो पुलकित खरे मतलब जो हमारे डीएम साहब हैं पुलकित खरे जी, उनके माध्यम से चौराहे चमकाए गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ उनके माध्यम से चौराहे चमकाए गए, लेकिन उनका सहयोग सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग है जो उनके माध्यम से चौराहे चमकाए गए हैं, ठीक है। और बात रहेगी रोजगार की, जो आज अमीर का प्लांट लग रहा है, ठीक है, खमीर का प्लांट वगैरह रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसको खमीर का प्लांट बनने में समय तो लगेगा ही। 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में क्या काम हो गया, कोविड का समय गुजरा है, कोरोना गुजरा है अभी, और हाल फिलहाल में कोरोना चल नहीं रहा है, 5 साल हो गए हैं, तो कोरोना काल में विधायक जी के द्वारा क्या सहयोग किया था? जब कोरोना काल में विधायक जी के द्वारा लगातार जनता के बीच में बने रहे, कोरोना काल बहुत बड़ा संकट था जो भारत के ऊपर, भारत के आज पूरे देश विदेश के ऊपर सबके ऊपर संकट था कोरोना काल का, ठीक है, और इसके बीच में हमारे विधायक जी और हमारी सरकार बराबर निरंतर बनी रही लोगों के बीच में। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयसिंह। जयसिंह जी, बात कर रहे हैं 127 शहर विधानसभा की, क्या विकास को लेकर काम हुए हैं, मुद्दा जो है विकास कार्यों को लेकर, विधानसभा चुनाव करीब है, किसको चुनेंगे, किसको बनाएंगे, हम बताएं, हम क्योंकि एक बार सरकार कोई सी हो, सरकार सब अच्छी होती है, सरकार वो अच्छी होती है जो रोजगार छोटे से लेकर बड़े तक मारे। इस गवर्नमेंट ने 2 रोजगार दिए, मास्टरिया से पटिया, और चपरासी की कोई भर्ती नहीं करी, मास्टर की भर्ती और सिपाही की भर्ती,
और इस फोर्थ क्लास के जितने भी बैन पद हैं वो सभी बंद कर रखे हैं। अगर वो खोल दे तो सरकार दोबारा आने की संभावना हो जाएगी कि छोटा ही कर्मचारी ज्यादा वोट देता है। बात हम विधायक जी की कर रहे हैं, विधायक जी ने क्या काम करा आपसे? विधायक जी ने तो कोरोना में हमारे हिसाब से कोई काम नहीं किया, कोरोना में कोई काम नहीं किया, उसके अलावा कोई काम नहीं, उसके आगे पीछे काम करे करूँगा ना, तो हमें तो कोई विधायक के बारे में क्या काम करें नहीं, कोई जानकारी नहीं विधायक की। क्या नाम है आपका? अरे वह आप कहाँ के रहने वाले हैं? विधानसभा जो है आपकी 127 है। उनको अपने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार दिया होगा, पर उसका हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में हमारे हम ऐसी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे, उसके बाद में हमारे सर का रिटायर मतलब उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद भी हमने काफ़ी अपनी एप्लीकेशन उनको दी, सर को रोकने की होती नहीं है। उसके बाद में हमने अपने सर को दूसरे सर को बुलाने के लिए भी एप्लीकेशन दी है, उसके बाद में हमारा कोई भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ है अभी भी हमें कोई भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। इस सरकार में मुझे ये लगता है हम सरकार के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम सरकार से कोई ऐसी सुविधा करवाई की नहीं कराई गई। छात्रों के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, स्कूल का ध्यान अभी वन साल के आने के बाद अब जाकर थोड़ा बहुत सरकार करवा रहे हैं कि हमारे चौराहों को उन्होंने चलता दिया, बाकी उसके अलावा कोई खास नहीं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? तो हमारे जिस तरीके से बात करी युवाओं से, लोगों से जाना, छात्र छात्राओं से जाना कि क्या विकास काम हुए हैं, तो जो उनसे बात की तो लोगों का साफ मौके देना कि कोई खास विकास कार्य तीन ही सदर 127 विधानसभा में नहीं हुआ है। तरीके से बात विधानसभा सदर सीट की जा रही, तो विधायक जी द्वारा जो है सदर विधानसभा में क्या क्या विकास को लेकर काम कराए गए अब तक इन 5 सालों में? विधायक जी के द्वारा सदन में इतने काम कराए गए हैं जो पिछले कार्यकालों में जो लोग विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने अपने 10-20 साल के कार्यकाल में इतने काम नहीं कराए जितने माननीय विधायक जी ने 4.5 साल में करा दिए। सबसे बड़े कार्य हैं मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, आपका उसमें भरा पचपेड़ा में खमीर का एक बहुत एशिया का माना हुआ प्लांट, नगर का पूरा सौंदर्यीकरण, सड़कों का एक कम से कम लगभग मैं समझता हूँ 250-300 किलोमीटर का जाल, गांव-गांव सीसी रोड करवाने का काम किया है, लोहीखेड़ा ब्लॉक में एक अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है जिसका काम चालू होने वाला है बहुत शीघ्र ही, सरदार नगर के पड़ोस में एक बिजली घर प्लांट बिल्कुल लगभग लग के तैयार हो गया, और बाकी तो छोटे छोटे काम हैं वो सब इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत से हैं। सुलभ शौचालय है, हर गांव न्याय पंचायत पे एक बड़ा सुलभ शौचालय देने का काम करा गया है, उसके अलावा गांव वालों को अलग से शौचालय देने का काम, लोगों को ऊर्जा के हिसाब से बिजली निशुल्क कनेक्शन देने का काम, निशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम, ये सब माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया। और एक बहुत बड़ा एक और काम है 12 मंजिला पुलिस ट्रांजिस्ट हॉस्टल का जिसका निर्माण चल रहा है पुलिस लाइन में, मैं समझता हूँ पीलीभीत जनपद के अंदर 12 मंजिला कोई बिल्डिंग नहीं थी, 12 मंजिला बिल्डिंग देने का काम पीलीभीत जनपद के अंदर माननीय विधायक जी के द्वारा 127 विधानसभा में किया गया। इस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है,
बीते साल की अगर बात की जाए 2020 में जो है भयंकर जो है कोरोना ने विकराल रूप ले लिया था, तो लॉकडाउन की स्थिति जो है 3 माह लगभग चली थी। इस दौरान ऐसे परिवार जिनके आगे जो है भूख प्यास की जो है खाने पीने की जो है तमाम दिक्कतें रही, वो ऐसे में विधायक जी द्वारा क्या काम किया गया है? इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेके और माननीय विधायक जी तक ने निभाई। किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दिया। 3 महीने का लॉकडाउन था, माननीय विधायक जी ने पूरी किट तैयार की है जिसमें आटा, दाल, चावल, चाय की पत्ती, चीनी, तमाम चीज़ें जो घरेलू उपयोग में दैनिक उपयोग में परिवारों में उपयोग होती हैं, उन सब चीज़ों को उनके यहाँ घरों तक पहुँचाने का काम माननीय विधायक जी ने उनके पूरे टीम के द्वारा किया गया। उसके अलावा पका हुआ भोजन पैकेट वो भी घर घर जाकर वितरण करने का काम किया। ये काम चाहे नगर क्षेत्र में रहा हो या पूरी विधानसभा में, जहाँ कहीं भी इस तरीके की अगर कोई समस्या थी तो माननीय विधायक जी ने उस के घर तक उस गल्ले को पहुंचाने का काम किया ताकि कोई भी परिवार भूखा ना सोने पाए। अब जिस तरीके विधानसभा चुनाव जो है बेहद करीब है, तो ऐसे में विधायक जी जो है क्या आगे क्या अपनी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है, सब जनता का पूरा साथ है हमारे साथ। जनता के आज भी जिस तरीके से वो काम पहले करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से आज भी जनता के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो उसके समाधान के लिए संबंधित जो समस्याएं जो होती हैं उनके लिए विधायक जी क्या सहयोग करते हैं? जिस तरीके की समस्या होती है उस हिसाब से तुरंत तत्पर रहते हैं। तुरंत उसके लिए चाहे उन्हें खुद स्वयं जाना पड़े, अगर पुलिस से संबंधित है तो पुलिस अधीक्षक के पास जाने का काम, DM से संबंधित है तो DM साहब के पास जाने का काम। जहाँ हम लोगों का काम होता है कि कार्यालय के स्टाफ से काम हो जाता है तो हम लोग कार्यालय के स्टाफ जाता है उनके घर तक, उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए विधायक जी हमेशा हर समय हर तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में तमाम कोरोना के पेशेंटों को भर्ती कराने का काम था, गैस ऑक्सीजन गैस मुहैया कराने का काम था, इन सब किसी भी तरीके का काम हो माननीय विधायक जी हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। शहर विधानसभा में मौजूद हैं, बात करेंगे यहाँ के विधायक की, क्या विकास को लेकर उन्होंने काम कराए हैं। हमारे साथ जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे हम जनता से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, बात कर रहे हैं यहाँ से 127 शहर विधानसभा की, आपके विधायक हैं संजय सिंह गंगवार, क्या विकास को लेकर काम कराए और कितना वो जनता के बीच में आते हैं? कोई सुविधा नहीं हुई उनसे, उनसे कोई सुविधा नहीं हुई है अभी, क्योंकि जब से मतलब इलेक्शन हुए हैं वो तो देखने भी नहीं आए। 90 दिन का इलेक्शन मतलब क्वारंटीन था, तो किसी के घर में झांकने नहीं आया, गरीब लोगों से पूछने की मतलब आपके घर में कोई व्यवस्था है या नहीं है। मोहल्ले तो बहुत दूर, वो अपने करीबी गाँव तक भी नहीं आ पाते हैं, बस उनकी यही मतलब खूबी है। अच्छा, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या कुछ कहना। क्या नाम आपका? विजय कुमार। विजय, विधायक जी के बात कर रहे हैं, क्या विकास को लेकर उन्होंने काम करा है, विधायक निधि से कितना काम हुआ, क्या आपके क्षेत्र में आपके सड़क या कोई काम उन्होंने किया है कुछ ऐसा? नहीं, उन्होंने आज तक कभी कोई काम नहीं कराया, सिर्फ वो इलेक्शन जब हो रहे थे जीतने के लिए तभी आए थे, उसके बाद वो कभी देखने नहीं आए थे कि जनता को क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। साल हो गए हैं लगभग, एक बार भी देखने नहीं आए वो कि जनता को क्या परेशानी है, क्या नहीं है, कि क्या चाहिए उन्हें, कोई सुविधा नहीं उनसे इसी के जरिए ना कभी ये देखने आए रोड टूटा है या नहीं है, यानी कि वो मार्केट भी है वो भी बनवाए नहीं अभी आज तक, उन्होंने कभी उसे भी देखने नहीं आए वो। क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपके क्षेत्र में? यहाँ पे यही समस्या है कि कोई भूखा मर रहा है या जी रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कभी देखने नहीं आते वो किसी को। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। बूढ़ा अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लॉन्गश्री है। लॉन्गश्री। लॉन्गश्री, आप इतनी बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, ये बताइए क्या विधायक जी को आपने देखा कभी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। 5 साल कभी नहीं आया विधायक। अच्छा, कौन है आपके गांव आपके क्षेत्र के विधायक, कौन है, नाम पता है? मैं कौन रहा हूँ? क्या नाम है? संजय गंगवार। अच्छा अच्छा, मतलब आपको अपने विधायक का नाम भी नहीं पता, क्या आपके आपके विधायक आपके क्षेत्र में नहीं आते? नहीं, आया ही नहीं है तो हमें पता क्या हुआ, हम तो जब ही नहीं पूछा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा परेशानी है, कौन नहीं आते तभी तो हम बताते, जब आए ही नहीं है तो हम क्या बताएं।
या नहीं आए हैं कभी भी? कभी नहीं आए। नहीं हमने कोई काम ना, ना कोई काम धंधे पूछे, ना किसी की पूछे, यहाँ कोई नहीं आया ही नहीं है, कोई तो पूछेगा क्या? और भी हमारे साथ महिला, क्या नाम है आपका? नाम बता। सूर्य देवी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो विधायक हैं क्या विकास को लेकर काम कराए हैं, कितना वो आपसे मिलने आए, आपके क्षेत्र में आए, या क्या मुद्दा है? अब जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है 2022, तो आप किसको वोट देंगे, किसको लड़ाएंगे? जो हमें सुविधा, जो हमें सुविधा देगा उसे भी लड़ाएंगे। अभी जो विधायक है उन्होंने कुछ काम किया नहीं? आज रसोई गैस सिलेंडर भरा दिया, गरीब लोग कहाँ से भरवाएंगे? देखो 900-950 का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से भरवाएंगे गरीब लोग? मतलब महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई है, डीजल के उसके सब के आदमी बीमार पड़े हैं, कोई भी सुविधा है ना? कोरोना रहा पिछले साल, इस साल भी कोरोना है, 90 दिन लॉकडाउन लगातार रहा, तो कभी आपको देखने आए हो, पूछने आए हो, खाना कुछ नहीं है? कुछ भी सुविधा नहीं आए? कभी बात करी ना? कुछ भी नहीं बात करी है। उसका तो घर मकान, घर मकान तक नहीं है, जिसमें किराए पे रह रही हूँ मैं तो 5-6 साल। आपको आवास नहीं मिला? ना नाम आ गया, कुछ भी ना, राशन भी नहीं है मेरा, तो राशन कार्ड भी नहीं है मुझे मेरे पास। तो कभी आपने विधायक जी से कहा? कहा था, ना नहीं हुए, बच्चे के मतलब आधार ही नहीं है, तो कोशिश की, बस महंगाई है। अच्छा, आप जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो किसको आप चाहते हैं कि कौन? जो हमारा अच्छा काम करवाऊंगा उसे ही हम चुनाव। लोगों से हमने बात की, जनता से हमने बात की, जनता का साफ तौर से कहना है जो उनका जो विधायक है यहाँ से, वो कभी अपने क्षेत्र में ना तो देखने आए, जिस तरीके से कोरोना काल रहा, 90 दिन का लॉकडाउन रहा, 90 दिन के लॉकडाउन में वो कभी क्षेत्र में घूमने नहीं निकले, कभी देखने नहीं निकले, जनता से बात नहीं करी। सीधे सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जनता में जो है काफ़ी रोष है अपने विधायक के लिए। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांत गुप्ता। और मेरे क्षेत्र में काम की काफ़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अवैध बना के नगर निगम बता के नगर निगम के अंदर काम नहीं हो पा रहा, सारी फाइलें प्रोसीजर में लगी हुई हैं, फाइलों को निरस्त कर दिया गया है, सबको टेंडर में पर जो काम निकलते हैं उन्हें भी निरस्त कर दिया जाता है कि ये अवैध कॉलोनी में काम अब आगे से नहीं होगा नगर निगम। समस्या है कि सड़क की व्यवस्था की, लोग पानी में से निकल के जाते हैं, इसी कारण है कि वो अपने मकान बेच के वहाँ से पलायन करने मजबूर हैं। अब क्या करेंगे लोग, जब काम नहीं होगा वहाँ पर और सड़क नहीं बनेगी, लोगों को गाड़ी ले जाने में दिक्कत है, गाड़ी लोगों के पास गाड़ी नहीं जा पा रही है, पैदल पैदल आखिर इंसान कहाँ तक कैसे क्या करेगा, मजबूर है मकान बेचने के लिए, मकान बेच के दूसरी जगह लेगा ही लेगा, क्योंकि जब अवैध बता दिया गया तो अवैध का तो मतलब ये ना कि अब उसमें काम होगा ही नहीं कई सालों तक। कब तक पता लगा ये अवैध? ये तो अभी लगभग 1 साल से ये मतलब लटका हुआ था, जब पता लगा कि ये सब क्यों हो रहा तब पता लगा कि ये अवैध कॉलोनी में काम नहीं होगा, इसलिए काम नहीं किया जा रहा। तो मैं मुझे यहाँ पर पार्षद हुए लगभग 3 साल हुए हैं, बाकी 3 साल का ही मैं बता सकती हूँ। हम लोग तो यही टेंडर में लगा रहे हैं, दोबारा से बातचीत चल रही है कि हाँ हो जाए किसी तरीके से और फाइल पास हो जाए बस। पिछले वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, आने जाने की सुविधाएँ ही एक बात यहाँ नहीं है, बल्कि रास्ते में गड्ढे हैं और पानी की असुविधा है, हम लोगों को निकलने में तमाम कठिनाइयों से जूझना पड़ा। लोग यहाँ से पलायन इसी वजह से करने के लिए अपने मकान बेच रहे हैं? हाँ, यही बात है, जब सुलभ रास्ता नहीं मिल पा रही तो वो सोच रहे हैं कहीं अंत सुलभता देखी जाए, जहाँ प्राप्त हो जाए उन्हें अवेलेबल हो। समस्या निकलने की बहुत परेशानी है ना, जो पानी है वो हमारे दरवाजे पर रुका है, बच्चे निकलने में परेशानी है, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, निकलते तो गिरते भी हैं। यहाँ की कई सड़कें बन चुकी हैं, आपकी गली नहीं बन रही है, क्या कुछ खास समस्या? अब जैसे सांसद की बात है उनसे कहो तो वो कि बनेगी ना बनेगी, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, कोई एक बात कहते ही नहीं कि मतलब इस कोई डेट नहीं देते कि मतलब इस दिन बनेगी। विधायक तो जब आते जब इलेक्शन होते हैं तो तो विधायक क्या आएंगे? कंप्लेंट आ गए तो कई बार की, कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट बनते जा रहे हैं और लोगों को समस्या हो रही है, नालियाँ नहीं है प्रॉपर, सड़क नहीं बनी है, हर बार यही दिलासा दे दिया जाता है कि रोड इस साल पड़ जाएगी, बरसात से पहले पड़ जाएगी, लेकिन बस वो उनका कहना ही कहना है, कुछ आके देखना ही नहीं है, एक बार भी नहीं आना है, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं बस, हाथ जोड़ करके हमको वोट दे दीजिए,
विधायक जी कौन है यहाँ? ये अभी मेरे को तो जानकारी है नहीं, फिलहाल ये पार्षद हैं जो कि नहीं, वो तो हैं लेकिन जो यहाँ के पार्षद हैं जी कब से नहीं आए, वो तो कभी हमें दिखाई नहीं दिए। इस गली ने वोट नहीं दिया है तो ये वैसे जीत गए, जो वोट नहीं दिया तो हाँ इनसे पूछा जाएगा जो क्यों नहीं करवा रहे हैं। कोई भी कहाँ बाहर चले जाओ, कहीं हमारा कुछ नहीं करवा सकते हो, समझे? कितनी कंप्लेंटें करी, मैं डीएम साहब के पास भी गया था, उनके पास सामने पेश भी होता, नथुलाल राठौर। 13 साल से विकास के इंतजार में परेशान लोग अब अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। जी हाँ, ये कोई गांव या कस्बा नहीं है, ये है शहर के बीचों बीच बसी एक कॉलोनी का हाल, जहाँ पर लोग विकास के नाम पर उन्हें सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है, और जब बात की जाए विकास के कार्यों की तो लोगों को कह दिया जाता है कि ये आपकी कॉलोनी अवैध है। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार।